आस्था का दूसरा नाम भगवान शिव। शिव के लिए आस्था मंदिरों से लेकर इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी देखने को मिल जाती है। महाकाल, भोलेनाथ, नीलकंठ के इतने भक्त हैं जिन्होंने एक के बाद एक सबसे ऊंची उनकी प्रतिमा बनवाने की ठान ली। और ये कोई नई बात नहीं है, आज भी आप हर गांव, मोहल्ले, बस्ती में जाकर देख लीजिए, आपको एक या दो शिव मंदिर तो जरूर देखने को मिल जाएंगे। और आज की इस वीडियो में भी हम आपको हाल ही में बने राजस्थान में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा के बारे में बताने वाले हैं। आखिर कैसे और क्यों वो प्रतिमा बनवाई गई और उसकी लागत और लोकेशन, सब के बारे में। भगवान शिव देवों के देव हैं, इसलिए उन्हें महादेव के नाम से पुकारा जाता है। दुनिया भर में शिव भगवान की कई मूर्तियां मौजूद हैं। हाल ही में राजस्थान के नाथद्वारा की गणेश टेकरी पहाड़ी पर शिव की प्रतिमा स्थापित की गई और मूर्ति के उद्घाटन के बाद से ही यानी 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक यहां धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लेकिन इस प्रतिमा के बनने के पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल हाल ही में राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में शिव भगवान की जो प्रतिमा बनाई गई है उसका काम लगभग 10 साल से चल रहा था और देश के जाने माने संत मुरारी बापू ने इस मूर्ति को बनाने की नींव रखी थी। बता दें कि ये मूर्ति कई मायनों में बेहद खास है क्योंकि ये भगवान शिव की पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी मूर्ति है और इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 369 फीट है। जैसा कि ये मूर्ति भगवान शिव के शांत और सरल रूप को दिखाती है, उसी के मुताबिक इसका नाम विश्वास स्वरूपम यानी वो जो खुद विश्वास और भरोसे का रूप है रखा गया है। शिव जी का किया जाएगा जलाभिषेक। शिव जी का जलाभिषेक भी किया जाएगा। इसके लिए सिर के पास दो टैंक लगाए गए हैं जिसमें एक टैंक के द्वारा शिव जी की जटाओं में गंगा जल बहेगा, वहीं दूसरे टैंक आपातकालीन स्थिति के लिए बनाया गया है। अब आपको बताते हैं कि इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस मूर्ति में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और मूर्ति की ऊंचाई की वजह से आप इसे लगभग 20 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं। इसके साथ ही इस प्रतिमा को देखने के लिए 280 फीट तक लिफ्ट जाएगी जहां से आप अरावली पहाड़ी का खूबसूरत नजारा देख पाएंगे और भगवान शिव की सुंदर प्रतिमा के दर्शन कर पाएंगे। इस प्रतिमा को साकार रूप देने वाले मूर्तिकार ने बताया है कि इस मूर्ति को 2500 साल तक कुछ नहीं होने वाला। मूर्ति को लेजर लाइट से भी सजाया गया है जिससे रात के समय में इस मूर्ति का रिफ्लेक्शन नजर आएगा। जैसा कि कहा जाता है कि नंदी के बगैर शिव अधूरे हैं, ऐसे में शिव जी के ठीक सामने नंदी जी की भी मूर्ति बनवाई गई है जो कि 25 फीट ऊंची और 37 फीट चौड़ी है। इतना ही नहीं, भक्तों की सुविधा का भी यहां पूरा ध्यान रखा गया है, यहां लोग आराम से बैठ सकें इसके लिए हॉल भी बनवाया गया है। बता दें कि 369 फीट ऊंची इस प्रतिमा के विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने की कहानी भी बहुत खास है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब साल 2012 में प्रतिमा को बनाने का प्लान तैयार हुआ था तो इसकी ऊंचाई 251 फीट तय की गई थी, लेकिन बाद में इसके निर्माण के दौरान इसकी ऊंचाई लगभग 351 फीट तक पहुंच गई और इसके बाद शिव की जटा में गंगा जल धारा लाने की योजना बनाई गई तो इसकी ऊंचाई 369 फीट तक पहुंच गई और इस तरह ये शिव प्रतिमा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी शिव प्रतिमा बन गई। लेकिन इसके निर्माण में कितना रुपया पैसा और सामान लगा? बता दें कि इसके निर्माण के दौरान लगभग 3000 टन स्टील और लोहा, इसके साथ लगभग 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का इस्तेमाल हुआ है और ये मूर्ति इतनी मजबूती से खड़ी है कि 250 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाएं भी मूर्ति को प्रभावित नहीं करेंगी। इस मूर्ति के बनने में कितना खर्च आया ये फिलहाल राज ही है और किसी भी तरह के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन जितना सामान इसमें इस्तेमाल किया गया और जितनी सुविधाएं दी गई हैं उसके हिसाब से काफी बड़े आंकड़े सामने आ सकते हैं। अब आपके सबके मन में ये सवाल होगा कि इसे राजसमंद शहर में ही क्यों बनवाया गया, आइए आपको बताएं। दरअसल राजसमंद का नाम एक झील के नाम पर पड़ा। राणा राज सिंह मेवाड़ ने 17वीं शताब्दी में राजसमंद झील का निर्माण किया था। ऐसे में अगर आप इस प्रतिमा को देखने जाएं तो इस झील की खूबसूरती भी आपका मन मोह लेगी। ये झील नाथद्वारा से करीब 25 से 30 मिनट की दूरी पर है। इस जगह की खूबसूरती और प्राकृतिक तौर से सही जगह होने की वजह से ही इस जगह को मूर्ति स्थापना के लिए चुना गया। ये तो थी भगवान शिव की 5वीं सबसे बड़ी प्रतिमा के बारे में जानकारी, लेकिन भगवान शिव की बाकी सबसे बड़ी प्रतिमाएं कहाँ हैं, आइए जानते हैं। कैलाशनाथ महादेव, नेपाल। दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा नेपाल के चित्तपोल सांगा जिला भक्तापुर में है। बता दें कि इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 143 फीट होने के कारण इसे दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा माना जाता है। यहाँ की शिव मूर्ति खड़ी मुद्रा में है जिसे 2004 में बनाना शुरू किया गया था और ये मूर्ति 2010 में बनकर तैयार हो गई। अगर इस मूर्ति के बनने की लागत की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत आई थी। मुरुदेश्वरा, कर्नाटक। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची शिव मूर्ति अरब सागर के किनारे बनी हुई है और इस क्षेत्र को कहा जाता है मुरुदेश्वरा। बैठक मुद्रा में मुरुदेश्वर मंदिर के बाहर स्थापित शिव की इस मूर्ति की ऊंचाई 37 मीटर यानी लगभग 123 फीट है। कंदुका पहाड़ी पर तीन ओर से पानी से घिरा यह मुरुदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बता दें कि यहाँ भगवान शिव का आत्मलिंग स्थापित है जिसका संबंध रामायण काल से माना जाता है और ये मंदिर अपनी ऐतिहासिक महत्व के लिए काफी मशहूर है।
मंगल महादेव मॉरिशस। इस जगह को मॉरिशस की सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर झील के किनारे बसा हुआ है। अगर मूर्ति की बात करें तो यहाँ पर भगवान शिव की खड़ी मुद्रा में मूर्ति है। इतना ही नहीं, शिवरात्रि पर मॉरिशस में बहुत से श्रद्धालु अपने घरों से नंगे पैर पैदल चलकर झील तक पहुँचते हैं और भगवान शिव से सुख शांति की मनोकामना करते हैं। हर की पौड़ी, हरिद्वार, उत्तराखंड। यह मूर्ति हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हर की पौड़ी के पास स्थित है। यहाँ की शिव मूर्ति खड़ी मुद्रा में है। कहा जाता है कि ये घाट विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तहरि की याद में बनवाया था। यहाँ पर हर शाम हजारों दीपकों के साथ गंगा की आरती की जाती है। शिवगिरी महादेव, शिवपुर, कर्नाटक। शिवगिरी महादेव की ये विशाल मूर्ति लगभग 85 फीट ऊंची है, जो बीजापुर जिले की शिवपुर नामक जगह पर है। शिव की ये बैठी हुई प्रतिमा साल 2011 में स्थापित की गई थी। नागेश्वर महादेव, दारुका वन, गुजरात। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर परिसर में भगवान शिव की ये विशाल मूर्ति स्थापित है। ये जगह भगवान शिव की सबसे खास जगहों में गिनी जाती है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की उपासना करने के लिए आते हैं। कचनार महादेव, जबलपुर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कचनार शहर में शिव मंदिर के पास स्थापित इस मूर्ति की ऊंचाई 76 फीट है। यहीं पर 12 ज्योतिर्लिंगों की रिप्लिका बनाई गई है। इसके साथ ही ये मध्य प्रदेश की सभी तरह की विशाल प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। कैंपफोर्ड शिव मूर्ति, बेंगलुरु, कर्नाटक। 65 फीट ऊंची इस मूर्ति की स्थापना साल 1995 में की गई थी। बता दें कि इस मूर्ति में भगवान शिव पद्मासन अवस्था में विराजमान है और इस मूर्ति में भगवान शिव के साथ उनका निवास कैलाश पर्वत और प्रवाहित होती गंगा नदी भी दिखाई देती है। बेलेश्वर महादेव, भंजनगर, ओडिशा। ओडिशा की भंजनगर नाम की जगह पर भगवान शिव का चंद्रशेखर महादेव मंदिर है और उसी मंदिर के पास ये शिव प्रतिमा स्थापित है। इस मूर्ति का अनावरण 6 मार्च साल 2013 को किया गया था। ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर में स्थापित है। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर बसा पवित्र नगर है और यहाँ पर भगवान शिव की एक सुंदर और लगभग 82 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। नामची प्रतिमा, सिक्किम। नामची शिव प्रतिमा सिक्किम में सिद्धेश्वर धाम के पवित्र मंदिर में स्थापित है और ये देश की सबसे ऊंची शिव मूर्तियों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शंकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियां। आप इनमें से कहां जाना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।